गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट. इन द लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड द रीडिंग ऑफ चैप्टर 2. टुडे वी विल स्टार्ट अ क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. बेटा ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपकी बुक में नहीं दिए हुए हैं बट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आपको आपकी कॉपी में इसे लिखना है और इसीलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ. तो देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सॉल्यूशन, गिव एग्जाम्पल. सॉल्यूशन क्या होता है इसका एक एग्जाम्पल दीजिए. द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन. ये मैंने आपको समझाया था कि सॉल्यूशन क्या होता है. सॉल्यूशन दो जो होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं या जो सब्सटेंसेस होते हैं उन दोनों को मिक्स कर तैयार किया जाता है. एग्जाम्पल देख लीजिए, अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर इन वाटर, एयर, अलॉयज एक्सेट्रा, है ना. सॉल्ट या शुगर का जो सॉल्यूशन हम वाटर में मिक्सअप करके तैयार करते हैं, या एयर जिसके अंदर काफ़ी सारे गैसेस मिक्सअप होती हैं, या अलॉय जिसके अंदर काफ़ी सारे मेटल्स जो होते हैं वो मिक्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन, गिव एग्जाम्पल ऑफ द सब्लिमेशन. मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू प्रोसेस समझाई थी सब्लिमेशन की. ऑन हीटिंग सम सॉलिड convert in gaseous state without passing through the liquid state and on cooling the gases convert into solid state. कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं बेटा कि जैसे ही हम उन्हें गर्म करते हैं तो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लगते हैं, लिक्विड स्टेट तक वो नहीं जाते हैं. और कुछ ऐसे होते हैं जिसको ठंडा करने पर वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो गैस से डायरेक्टली सॉलिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट. यहाँ पर भी बेटा वो लिक्विड स्टेट के अंदर नहीं आते हैं. तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सब्लिमेशन. मतलब जब भी कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए या गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सब्लिमेशन. एग्जाम्पल्स के लिए मैंने आपको बताया था आयोडीन एंड कैम्फर एक्सेट्रा. थर्ड क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी. पढ़ा था हमने इसके बारे में. द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी, है ना. ऐसी टेक्निक जिससे हम ऐसे सॉल्यूट को सेपरेट कर सकें जो कि सेम सॉल्वेंट में क्या हो गया है, मिक्स हो गया है, तो उसे हम किस के थ्रू फिल्टर कर सकते हैं, उसे हम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं. तो तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए बेटा. अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम, व्हाट आर फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं. व्हेन द चेंजेस ऑफ साइज, शेप, स्टेट एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज अकर इन द सब्सटेंट बट देयर इज़ नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज. मीन्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज में चेंज हो रहा है, उसकी शेप में चेंज हो रहा है, उसके स्टेट में चेंज हो रहा है, लेकिन उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, देन दिस चेंज इज़ कॉल्ड फिजिकल चेंज. तो ऐसे चेंज को हम क्या बोलेंगे, ऐसे चेंज को बेटा हम फिजिकल चेंज यहाँ पर बोलेंगे. ठीक है बेटा, समझ में आया. फिजिकल चेंज के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया भी था कि फिजिकल चेंजेस किस तरीके से होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, डिफाइन केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंजेस किस तरीके से होते हैं वो हमें बताना है. व्हेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस आर चेंज एंड अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म देन दिस चेंजेस इज कॉल्ड केमिकल चेंज. जब भी किसी भी केमिकल की प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंज हो रहा है और उसके चेंज से कुछ नया सब्सटेंस वहाँ पर बन रहा है तो उसे हम बोलेंगे कि यहाँ पर कौन सा चेंज हो रहा है, यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सचर. मिक्सचर क्या होता है. द मटेरियल फॉर्म बाय फिजिकली मिक्सिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस इन एनी रेशो विच हाउ एवर रिटेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट इज कॉल्ड मिक्सचर. मीन्स अगर दो हमने मटेरियल को मिक्स कर दिया है और जो नया मटेरियल, मतलब किसी भी रेशो में हमने उसे मिक्स कर दिया है और जो नया मटेरियल बनकर वहाँ पर तैयार हुआ है बेटा, रेडी हुआ है, वो जो दो सब्सटेंस हमने उनके साथ मिक्स करे हैं उन दोनों की प्रॉपर्टी को रखता है, उन दोनों ही कंपोनेंट की प्रॉपर्टी को रखता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, वो मिक्सचर है. क्लियर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, स्मोक एंड फोग बोथ आर एरोसोल. इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट. स्मोक और फॉग दोनों ही क्या होते हैं, एरोसोल होते हैं, पर किस तरीके से वो एक दूसरे से डिफरेंट है ये हमें यहाँ पर बताना है.
In the smoke, the solid particle like carbon are dispersed. है ना, जो solid particle carbon होता है वो बेटा smoke के अंदर दिखता है, are dispersed, वो फैलता है वहाँ पर. While in fog, the liquid particle like water droplets are dispersed. लेकिन जब हम fog की बात करते हैं तो वहाँ पर water droplets जो होती हैं वो dispersed होती हैं. In other word, the smoke is solid in gas collide and the fog is liquid in gas collide. है ना, मतलब स्मोक कब क्रिएट होता है, जब सॉलिड पार्टिकल गैस के अंदर मिक्सअप होते हैं तब वहाँ पर स्मोक क्रिएट होता है, और जब लिक्विड पार्टिकल जो होते हैं वो गैस के साथ में कोलाइड होते हैं, मिक्सअप होते हैं, तब वहाँ पर क्या जनरेट होता है, फॉग जनरेट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, ये बेटा आपकी बुक में दिया हुआ है, ये दिया है आपके पेज नंबर 15 पर. पेज नंबर 15 पर दिया है क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या होते हैं. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, दैट इज हैव बोथ वॉल्यूम एंड मास, दिस मटेरियल इज कॉल्ड सब्सटेंस. ऐसा कोई भी मटेरियल जो कि वॉल्यूम रखता हो, जिसका कुछ ना कुछ मास होता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बेटा सब्सटेंस यहाँ पर बोलेंगे. नेक्स्ट है बेटा, लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटरोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर और हेटरोजीनियस मिक्सचर किस तरीके से डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, वो पॉइंट हमें यहाँ पर बताने हैं. द कंपोजिशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट व्हाइल हेटरोजीनियस मिक्सचर इज नॉन यूनिफॉर्म. जो होमोजीनियस मिक्सचर का कंपोजिशन होता है बेटा वो हमेशा एक जैसा होता है, लेकिन हेटरोजीनियस का नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राइट द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटरोजीनियस मिक्सचर. ये भी आपके बुक के पेज नंबर 18 पर दिया हुआ है. तो सबसे पहले तो दो कॉलम आप बना लेंगे, एक तरफ लिखेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, नेक्स्ट तरफ लिखेंगे आप हेटरोजीनियस मिक्सचर. अब देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर आर ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, है ना, इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है. और अगर बात करें हेटरोजीनियस मिक्सचर की, तो हेटरोजीनियस मिक्सचर आर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन कंटेनिंग फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, है ना, वहाँ पर फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट वहाँ पर अलग अलग हमें मिल जाएंगे, और ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है. एग्जांपल के लिए होमोजीनियस में अगर देखते हैं तो सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड वाटर, फिर एलॉय की बात कर लें और एयर की बात कर लें, तो ये क्या कहलाते हैं बेटा, ये होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं. अब अगर बात कर लें हेटरोजीनियस मिक्सचर की, तो इसमें आ जाते हैं मिक्सचर ऑफ सैंड एंड चॉक, सैंड और चॉक को मिक्स कर दो, मिक्स ऑफ सॉल्ट और आयरन फिलिंग को आप मिक्स कर दो, ऑयल और वाटर को मिक्स कर दो. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये दिया हुआ है बेटा आपकी एक्सरसाइज में, है ना, एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं, जो क्वेश्चन करने हैं वही मैं आपको करवा रही हूँ. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4th आपको दिया हुआ है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जांपल, सार मतलब जो पॉइंट दिए हैं उनको एक्सप्लेन भी करना है और उनका एग्जांपल भी वहाँ पर हमें देना है. सबसे पहले बात करते हैं बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है. एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैज़ डिजॉल्व एज मच सॉल्यूट As it is capable of dissolving is said to be saturated solution. मतलब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर जो कोई सॉल्यूट है वो अच्छे से सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जा रहा है, डिजॉल्व हो जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन वहाँ पर बोलेंगे. नेक्स्ट है बेटा प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस आप किसे बोलेंगे. द सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस. ऐसे सब्सटेंसेस जो कि केवल एक ही पार्टिकल, एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं बेटा, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं, है ना. और ऐसा सॉल्यूशन जो कि सॉल्वेंट, जिसमें सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में काफ़ी अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं. एग्जांपल देख लीजिए प्योर सब्सटेंस का, कॉपर, गोल्ड, कार्बन, ऑक्सीजन, अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट एक्सेट्रा. नेक्स्ट है बेटा कोलाइड्स, कोलाइड्स हम किसे बोलेंगे. द हेटरोजीनियस सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर सो स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ट आई बट स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट शोइंग टिंडल इफेक्ट आर कॉल्ड कोलाइड, है ना. हेटरोजीनियस ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो इतने छोटे हैं कि हम उसे हमारी नॉर्मल लाइट से नहीं देख पाते हैं, लेकिन जैसे हम उसके अंदर लाइट ट्रेवल करवाते हैं तो वो हमें क्या देती है, वहाँ पर टिंडल इफेक्ट देती है. टिंडल इफेक्ट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं मिल्क, पनीर, जेली, बटर, स्मोक, एयर एक्सेट्रा.
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट है पॉइंट हमारा सस्पेंशन. द हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट कैन इजीली सीन बाय द नेक्ड आई आर कॉल्ड सस्पेंशन. मतलब ऐसे सॉल्यूट की बात हम कर रहे हैं जिसको हम हमारी नॉर्मल आईज से यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ चॉक एंड मडी वाटर. चौक का अगर पानी के अंदर मिक्सअप करते हैं तो चौक जो है वो ऊपर ही क्या होता है बेटा, तैरता रहता है, तो हम अलग ही दिखाई दे जाता है. वाटर और ऑयल को जब हम मिक्सअप करने की कोशिश करते हैं तो ऑयल जो है उसकी एक लेयर हमें वाटर के ऊपर दिखाई देती है, तो वो भी क्या हो गया बेटा, वो भी सस्पेंशन हो गया. बात करें मडी वाटर की, जिसे जो जिसके अंदर काफ़ी मिट्टी होती है, तो मिट्टी हमें अलग ही तरीके से वहाँ पर क्या देगी बेटा, दिखाई देगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, राइट द डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर एंड कंपाउंड. ठीक है, फर्स्ट है दो कॉलम बना दीजिएगा. फर्स्ट कॉलम है मिक्सचर, सेकेंड कॉलम में आपको बनाना है बेटा कंपाउंड. मिक्सचर में आते हैं, मिक्सचर का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म. जो एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड होते हैं उनको आपस में मिक्स किया जाता है, लेकिन उससे कोई नया कंपाउंड वहाँ पर नहीं मिलता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे. एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, है ना, ऐसे एलिमेंट जो होते हैं रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, नया कंपाउंड वहाँ पर जनरेट करते हैं. सेकेंड पॉइंट देखिए मिक्सचर में, मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन. मिक्सचर के अंदर काफ़ी सारी कंपोजिशन होती है. एंड कंपाउंड की अगर बात करें तो कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंसेस इज ऑलवेज फिक्स्ड. जितनी भी कंपोजिशन होती है यहाँ पर नए सब्सटेंसेस के लिए, वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है. थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, अ मिक्सचर शोज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस. जितने भी सब्सटेंसेस उसमें मिलाए जाते हैं उसकी प्रॉपर्टी मिक्सचर जो होता है वो शो करता है. द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज. पर कंपाउंड के अंदर सब्सटेंस जो बनकर तैयार होता है उसकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है, टोटली डिफरेंट होती है. फोर्थ पॉइंट की बात करें, कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड. कुछ फिजिकल मेथड्स का यूज़ करके हम यहाँ पर इन्हें सेपरेट भी कर सकते हैं मिक्सचर को. द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. अब इसके अंदर केवल केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू ही हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं बेटा. ठीक है, इसी के साथ बेटा हमारे इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर सेकंड के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर फिनिश होते हैं. ये सारे क्वेश्चन आंसर्स को आपको मुझे ट्यूसडे तक लिख कर आपकी कॉपी में भिजवाने हैं. अभी तक आपने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी मुझे चेकआउट नहीं करवाए हैं, किसी भी बच्चे ने मुझे लिख कर नहीं भेजे हैं. मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ कि फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स मैं ट्यूसडे को चेक करूँगी. आप ट्यूसडे तक ये कंप्लीट कर लीजिए.